नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। यह पूर्ण तौर से सत्य है कि जब कोई दुखद स्थिति में किसी को शाप देता है तो वह जरूर फलित होता है। आज हम आपको महाभारत काल में श्री कृष्ण को दिए गए एक ऐसे शाप के बारे में बताएंगे जिस कारण भगवान श्री कृष्ण का समूचा वंश समाप्त हो गया था, परंतु श्राप में से भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ जीवित रहे। वज्रनाभ के नाम पर आज भी मथुरा में ब्रजमंडल स्थापित है। महारानी गंधारी ने दिया था भगवान श्री कृष्ण को श्राप। पांडवों और कौरवों के मध्य हुए भीषण युद्ध में कौरवों का अंत हुआ। इस समूचे घटनाक्रम के बाद आहत हुई माता गंधारी से पहली बार जब श्री कृष्ण मुलाकात करने पहुंचे तो गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के मिलते ही गंधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे के संग झगड़ने से नाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी से कहा, देवी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। ऋषि दुर्वासा ने भी दिया था यदुवंशियों का श्राप। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि ने भी क्रोधित होकर श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। ऋषि के श्राप के प्रभाव से सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। एक दिन श्री कृष्ण की आज्ञा से एक यदु पर्व पर आयोजित एक समागम में अति नशीली मदिरा पी ली। नशे के प्रभाव में लड़ने से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ लोग ही जीवित बचे। बचे हुए लोगों ने श्री कृष्ण के कहे के अनुसार द्वारिका छोड़कर हस्तिनापुर की शरण ले ली। वहीं श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका भी सागर में डूब गई। श्री कृष्ण की विषयुक्त तीर लगने से हुई मौत। एक दिन वह वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक बहेलिए ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया जो उनके पैर के तलुए में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी। वज्रनाभ ही आपसी युद्ध में बचे थे जीवित। यदुवंशियों की आपसी लड़ाई में जीवित बचे श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक बने। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने पर अर्जुन द्वारिका पहुंचे। वज्रनाभ तथा अन्य जीवित बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए। श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ को अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर मथुरा का राजा घोषित कर दिया। गौरतलब है कि वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।